comedy superstar. शक्ल मेरी जिनसे मिलती उनको तो सब जाने, लेकिन मैं आया अपनी पहचान बनाने. मुश्किल है ये काम, नांदेड़ का ये रामेश्वर जाने. होती जीत उसी की जो कभी न हार माने. शेखर जी नमस्कार. नमस्कार. सुषमा जी नमस्कार. नमस्कार. सोने जी नमस्कार. नमस्कार सर. हमारे देश में कहीं भी जाइए खाने के अलग अलग चीजें मिलेंगी. अभी देखिए रेडियो पे एक शो आता था खाने के बारे में, खास सखियों के लिए खाना खा जाना. खाना खा जाना में आज मिलते हैं मिस भूकी से. भूकी जी बताइए कि काली दाल किस तरह से बनाए जाए. काली दाल बनाने के लिए सबसे पहले काला पतीला लेने का. बड़ी अच्छी बात है. सबसे पहले काला पतीला और उसके बाद. काला पतीले के बाद आधा किलो काली दाल. तो आधा किलो काली दाल के बाद आधा किलो काली मिर्च. उसके बाद फिर उसको पकाने का. खाना खा जाना में आपने जो पकाया है इससे खाए ना. सॉरी सर. कोई नहीं कोई नहीं. हाँ ठीक है. रेडियो पे जो शो आता है ये खाना खा जाना, आज हमारे बीच आई है मिस भूकी. भूकी जी हमें सिखाएंगी काली दाल किस तरह से बनाई जाती है. भूकी जी बताइए कि काली दाल किस तरह से बनाई जाती है. सबसे पहले काली दाल बनाने के लिए काला पतीला लेने का. काला पतीले के बाद आधा किलो काली दाल. तो आधा किलो काली दाल के बाद आधा किलो काली मिर्च. और उसके बाद अदरक. उसके बाद एक चुटकी सिंदूर. एक चुटकी सिंदूर. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो. लेकिन जो खाना खाने वाले लोग होते हैं, खाना खाने वाले बड़े मजेदार लोग होते हैं, उनको देखते पता चलता है कि भाई ये खाते पीते हर का आदमी है. ऐसे रहते वो. आजकल होटलों में खाना खिलाने से ज्यादा खाना दिखाने पे लगे हुए हैं. ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐसा लगता है कि इधर ही प्लेट लगी हुई है. और जो खाने वाले आदमी है वो एड्रेस निकाल के वहां पहुंच जाता है. अरे भैया वो जो एडवर्टाइज की थी वो खाना लाना. और वो ऑर्डर आ जाता है वो देखने के बाद उसकी रिएक्शन, ये क्या है भाई, ये है क्या ये. अभी हमारे महाराष्ट्र के भाई इनका फेवरेट होता है पोहा. जहां भी जाएंगे पोहे पोहे पोहे. लोग दुबई में चले जाएंगे वही पूछेंगे पोहे किधर मिलता है. अगर वो साउथ में चले जाएं नाश्ता किधर मिलेगा. नाश्ता करने का नाश्ता इधर ही मिलेगा. के मांगते नाश्ते में तेरे को पोहा. पोहे 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 ना पोहा. ये बेचारा ढूंढते रहता खाने की चीज है. पोहे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा. इसको लगता है यार लगता है मेरे ड्रेसिंग पे कुछ प्रॉब्लम है. वो धोती निकाल के उसकी लुंगी बना दिया. ए भाऊ पोहे वाट क्या वाट पोहे. इडली सांभर. इडली सांभर इडली. अरे बाबा इडली कैसे खाए थे. ये खाने की चीज है, हर चीज खानी चाहिए. थैंक यू सर. मैं एक्चुअली इतनी ज्यादा ओवरवेलम्ड हूँ अभी सिर्फ इस बात से कि आपने इतना हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई. दिस इज व्हाट अ परफॉर्मर डज. कि हार गए तो हार गए, फेलियर इज नॉट अ प्रॉब्लम. कोशिश करने से कोई नहीं रोक सकता. जैसे ये कहते हैं शेखर सर, जमा टिका के परफॉर्म किया. वेरी वेल डन. रामेश्वर कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ये बताइए कि आपके बच्चे के साथ क्या मसला है. सर मसला ये है मेरी शक्ल कॉमेडी सुपरस्टार जॉनी भाई से मिलती जुलती है. जॉनी लीवर करके हमें पहले आप दिखाइए और मैं देखना चाहता हूँ कि जॉनी लीवर आप कितना अच्छा कर सकते. जी सर. जैसे कि थीम अपनी खाना है. हाँ जॉनी भाई. जॉनी भाई कैसे करें. ये आगे. अरे खाने के बारे में क्या बताओ बाबा. मुझे ऐसा लगता है कि आप दो पर्सनालिटीज के बीच में झूल रहे हैं. बिल्कुल सर. अगर आप अपनी आइडेंटिटी एक बना के अपना एक वजूद बनाकर आगे निकले तो आपको अपने आप पे गर्व होगा, नाज होगा, लोगों को आप पे ना होगा. सबसे पहले तो रमेश जी मैं ही कहना चाहूंगा इस मंच पर जो आप आए हैं उसके लिए आपको खुद की आइडेंटिटी बनाना है. आपको जॉनी भाई पार्ट टू नहीं बनना, आपको रमेश्वर पार्ट वन बनना है.
ताकि लोग आपको बाद में कॉपी करें और आप जैसे और रामेश्वर पार्ट टू पार्ट थ्री बने, लेकिन यहां पर हम एक रामेश्वर खड़ा करने आए हैं. दैट्स अ मोटिव. तो चलिए पूछते हैं जजेस से क्या कहते हैं आपके स्कोर्स. मैं आपको 8 नंबर देना. थैंक यू. 8 पॉइंट्स. आई डोंट बिलीव दिस. 8 पॉइंट्स. वेरी वेल डन. ओह थैंक यू. तो रामेश्वर जी आपके टोटल स्कोर होते हैं 24. थैंक यू. तो से कॉमेडी राउंड खत्म होने के बाद टीम ये का स्कोर है 68 पॉइंट्स और टीम वो का स्कोर है 69 पॉइंट्स. यार जब खाने में इतनी कॉमेडी हो तो सोचो गाने में कितनी कॉमेडी होती होगी. तो चलिए संगीत के 7 सुरों में लगा के कॉमेडी का हंसता हुआ सुर, अब दिखाएंगे हमारे कॉमेडी स्टार्स अपना हुनर. हमारा अगला राउंड है हसारे गामा. तो प्लीज वेलकम टीम ये. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.